हेलो क्रिकेट बडीज, मेरा नाम है जय और दोस्तों मेरे साथ हैं मिस्टर मेहुल पटेल और जो कि हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर हैं। तो आज ये हमें बताने वाले कि एक्चुअली जो डेंजर जोन जिसे कहते हैं या फिर उसे बोलते हैं प्लेइंग एरिया, तो एक्चुअली वो है क्या? अगर इसकी अगर कोई बॉलर आ जाए, कोई बैट्समैन आ जाए तो इसमें पेनल्टी क्या मिलती है, तो इस बारे में आज हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं इनसे। तो आप सेटअप से बताएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये है, ये आप सब ने ये क्रीज तो देखी होगी, आप मैचेस देखते हैं तो ये क्रीज देखते ही हैं। तो ये जो दो लाइनें हैं वो क्या है? तो ये मिडल स्टंप से एक फीट इधर और मिडल स्टंप से एक फीट इधर, दो फुट मार्किंग है। और ये है हमारी पॉपिंग क्रीज जो कि स्टंप से 4 फीट दूर है, और यहाँ से ये दो ये लाइन और वहाँ दूसरी लाइन, जो ये लाइन है वो पॉपिंग क्रीज से 5 फुट दूर है। तो इस ये स्टंप से 9 फुट दूर ये लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है उसमें बॉलर और बैट्समैन जा सकते हैं। इसके बाद ये 2 फुट बाय 48 फीट जो एरिया है उसमें ना बॉलर जा सकता है, ना बैट्समैन जा सकता है और ना फील्डर जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ बॉल का एरिया है, वो बॉल सी जा सकते हैं उस एरिया में। तो ये है डेंजर जोन 2 फीट बाय 48 फीट जो एरिया है वो पिच के बरोबर बीच में, वो है डेंजर जोन, या तो आप बोल सकते हो प्लेइंग एरिया। आप देख सकते हो पूरा स्टंप के लाइन से जाता है और वहाँ पे भी, तो यहाँ पे बैट्समैन को भी बैटिंग करनी है और बॉलर को भी इधर से बॉलिंग करनी है। तो अगर आपने देखा ही होगा कि बॉलर जब भी आता है बॉलिंग करने, तो यहाँ से ये ऐसे करके इधर चला जाता है बाहर। क्यों? क्योंकि वो डेंजर जोन में ना आ जाए इसलिए। हाँ, अगर डेंजर जोन में आ जाते हैं तो उसकी उसका पनिशमेंट क्या होता है? तो आपने इस वर्ल्ड कप में देखा होगा वो जो पाकिस्तान का बॉलर था वो 2 बार आया था बीच में, उसको अंपायर ने 2 बार वार्निंग दे दी थी, फिर उसने क्या किया, साइड चेंज कर दिया, राउंड दी डाला, फिर एक भी बार नहीं आया। तो अंपायर क्या करते हैं, उसको वार्निंग देते हैं, उसके कैप्टन को बोल देते हैं और दूसरे अंपायर को भी बोल देते हैं कि भाई इसको, ये बॉलर को वार्निंग दे दिए। अगर तीसरी बार वो आ जाता है डेंजर एरिया में तो बॉलर उस इनिंग में बॉलिंग नहीं कर सकता है, अंपायर तुरंत उसको बॉल रोक देगा और उसके पास से बॉल ले लेगा, कैप्टन को बुलाएगा, कैप्टन आप दूसरे बॉलर से बॉलिंग करवाइए, इस बॉलर ये बॉलर इस इनिंग में बॉलिंग नहीं कर सकता है। तो ये है पनिशमेंट, ये तो ये बॉलर का हो गया। अगर बैट्समैन भी आता है बीच में तो उसका पनिशमेंट क्या है? तो बैट्समैन को भी 2 वार्निंग मिलती है। अगर तीसरी बार आता है तो फील्डिंग साइड को 5 रन मिल जाते हैं, वो 5 रन अवॉर्ड कर देते हैं अंपायर फील्डिंग साइड को, और सभी बैट्समैन को वार्न कर देते हैं। जैसे कि वो आउट हो गया, दूसरा बैट्समैन आया तो उसको भी वार्न कर देते हैं कि भाई 2 आपका हो गया है, अगर आप आओगे तो 5 रन आउट कर देंगे, वो भी आउट होता है। सब बैट्समैन को वार्निंग दे देते हैं कि भाई देख लेना, 2 बार आपके बैट्समैन आ चुके हैं, अब आना नहीं आपको। और वैसे तो टेल एंडर ही ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि टेल एंडर को क्या है, वो तो आउट होंगे और तुरंत फील्डिंग आ जाएगी, तो वो पिच बिगाड़ सकते हैं। तो उसके लिए ये ध्यान रखना है कि भाई बीच में नहीं आना है। बीच में आने से क्या होता है, स्पाइक्स पहने होते हैं बॉलर और बैट्समैन दोनों ने, तो इधर आया तो मार्क हो जाता है, तो वहाँ से बॉल कुछ भी हो सकता है, राइज भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, स्पिन भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये डेंजर जोन में आना मना है। ये था डेंजर जोन का फंडा। तो आप अगर आप बॉलिंग करते हो तो ऐसे करो कि भाई बॉल वो डेंजर एरिया में आपका पाँव ना पड़े। और दूसरी चीज़, अगर आपने स्पाइक नहीं पहने हैं और आप बीच में आते हो तो नुकसान बॉलर का ही है। अगर LBW होता है, कॉट बिहाइंड होता है, तो आप बीच में होते हो, अंपायर को कुछ दिखता नहीं, कुछ दिखेगा नहीं, तो वो कोई डिसीजन नहीं देगा, भाई मैंने देखा ही नहीं, मैं क्या डिसीजन दूँ, तो वो एक लॉस है बॉलर के लिए, उसकी टीम के लिए। तो आपको ये डेंजर जोन में आना ही नहीं है, अगर स्पाइक्स पहना है या नहीं पहना है।
तो आपको डेंजर जोन में आना नहीं है, बॉलिंग यहाँ से बाहर निकल जाना है, सिंपली वही आपको प्रैक्टिस करना है, वही आप सब करते हैं। इस वर्ल्ड कप में आपने देख लिया, तो ये नियम के बारे में हमको लगा कि आपको बता दें, तो ये नियम है। थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू सो मच सर। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, अपने सारे क्रिकेट बड़ी सारे क्रिकेट फ्रेंड्स उन सभी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दो। और यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बटन देख रहे हो ना यार, गुस्से से कितना लाल हो चुका है, अगर आप एक क्लिक कर दोगे ना तो इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट, लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट। थैंक यू।